अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लो एंड ग्रो विद चीज। आज के शो में हम बात करेंगे एक स्मूदी बनाने की जो कि बनेगी खरबूजे से, यानी कि कैंटलोप से। कैंटलोप्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनरिच्ड होते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर। दे हैव विटामिन्स इन देम, दे हैव पोटेशियम, फाइबर, और ये इट्स वेरी हाइड्रेटिंग टू, क्योंकि 90% जो होता है ये पानी पे ही बेस्ड होता है। मुझे याद है बचपन में कभी कोई फीका होता था खरबूजा, तो अम्मी उसको बारीक बारीक काट के उसमें चीनी डाल के उसको उसके अंदर क्रश आइस डाल के हम लोगों को देती थी और बड़ा मज़े का लगता था। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्यों ना इसे एक स्मूदी बनाएं जो कि इक्वली न्यूट्रिएंट्स से भरी भी होगी, बहुत मज़े की भी होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, अगर अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है चैनल को, तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, और जो छोटी सी बेल है साइड पे उसको भी हिट करिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको इंस्टेंटली पता चल जाए। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं अपने बड़े मज़े की और बड़ी न्यूट्रिशियस किस्म की कैंटलोप स्मूदी। कैंटलोप स्मूदी बनाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ ब्लेंडर के अंदर सबसे पहले चॉप्ड कैंटलोप। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड आइसक्रीम टू इट, वनीला आइसक्रीम। एंड फाइनली ऑरेंज जूस। नाउ वी आर गोइंग टू ब्लेंड दिस। स्मूदी हैज बीन ब्लेंडेड एंड इट्स रेडी, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पोर इट आउट इन अ ग्लास। If you want, you can add ice to it and also honey.